दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और मिस्टर मीट के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मिस्टर मीट के जाने के बाद अपना पॉटी बॉय शॉन गुल्ली की मदद करने के लिए बुल्ली के पास ऊपर जाने लगता है, और तभी उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। शॉन जब नीचे झाँक कर देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मिस्टर मीट वापस आ गया है। मिस्टर मीट को वापस आता देखकर शॉन को समझ में नहीं आता गुल्ली को जाकर मिस्टर मीट के बारे में बताएं या फिर भागकर अपनी जान बचाएं। टाइम बहुत कम है, कुछ ही देर में मिस्टर मीट ऊपर आ जाएगा और फिर शॉन नीचे नहीं जा पाएगा। लेकिन शॉन फैसला करता है कि वो ये बात जाकर गुल्ली को बताएगा। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन दरवाजा खटखटाता है और कहता है, गुल्ली जल्दी बाहर आओ, मिस्टर मीट वापस आ गया है। लेकिन गुल्ली कोई जवाब नहीं देता। शॉन की टेंशन बढ़ जाती है। शॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि बुल्ली अगर यहाँ नहीं है तो फिर आखिर कहाँ चला गया है। शॉन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बुल्ली ने दरवाजा खोला और कहने लगा, क्या हुआ शॉन, क्यों खोपड़ी पीट रहे हो मेरी, तुम्हें पता है कि मैं गुल्ली को बचाने आया हूँ। शॉन बोला, गुल्ली को बाद में बचाना बुल्ली, पहले खुद को तो बचा लो, मिस्टर मीट वापस आ गया है, अगर हम लोग भी फंस गए तो फिर हमें बचाने कौन आएगा। बुल्ली बोला, शॉन हमें मिस्टर मीट को यहाँ आने से रोकना होगा, नहीं तो हम गुल्ली को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। मिस्टर मीट ने गुल्ली को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया हुआ था, मैंने उसे नीचे उतार लिया है, लेकिन अभी उसके हाथ पैरों में रस्सी बंधी हुई है, जाओ जाकर रोको उसे। शॉन ने कहा, बुल्ली तुम जानते हो मुझे मिस्टर मीट से डर लगता है, और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, लगता है मिस्टर मीट ऊपर आ रहा है। ये कहते हुए शॉन आगे जाता है तो देखता है कि मिस्टर मीट ऊपर आ रहा है। शॉन फौरन भागते हुए बुल्ली के पास जाता है और कहता है, बुल्ली भागो यहाँ से, मिस्टर मीट ऊपर आ रहा है। बुल्ली को अलर्ट करने के बाद शॉन वहाँ से फरार हो जाता है। वो मिस्टर मीट के हाथों मरना नहीं चाहता, उसे छुपने की जो भी जगह दिखाई देती है वो वहाँ जाकर छुप जाता है। और तभी बुल्ली भी गुल्ली को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है, शॉन जल्दी पकड़ो इसे, इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये खड़ा नहीं हो सकता। शॉन फौरन गुल्ली को उठाकर आगे ले जाता है और तभी मिस्टर मीट वहां आ जाता है। बुल्ली उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन मिस्टर मीट उसे देख लेता है और फौरन उसके पीछे भागता है। इधर बुल्ली और शॉन मिलकर जल्दी जल्दी गुल्ली के हाथ पैर में बंधी हुई रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं, ताकि गुल्ली भी आजाद हो सके और फिर तीनों यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन मिस्टर मीट ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि मिस्टर मीट अब किसी को पकड़कर बंद नहीं करेगा, बल्कि अब जो भी हाथ लगेगा सीधा उसे मार डालेगा। अरे कहाँ गए सबके सब, रुक जाओ, भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम सब फंस चुके हो और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन को आखिर रुकना ही पड़ा, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, अब तीनों फंस चुके हैं। इससे पहले कि मिस्टर मीट इन तीनों पर हमला करता, तीनों ने साथ में छलांग लगा दी और मिस्टर मीट देखता रह गया। लेकिन ये क्या हुआ, मिस्टर मीट ने भी छलांग लगा दी, लगता है मिस्टर मीट इन्हें मारे बिना इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन मिस्टर मीट के घर से तो बाहर निकल गए, लेकिन इस जंगल से कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि इन तीनों को तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। इस अंधेरे घने जंगल में तीनों बस अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि इनके पीछे मिस्टर मीट आ रहा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन जंगल की एक कोने में छुपकर बैठ गए हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली आज की रात हमें यही जंगल में गुजारनी होगी, ये जंगल काफी बड़ा है और दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ है, और हमारे पास टॉर्च भी नहीं है, हम जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे। गुल्ली बोला, तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, लेकिन ये मत भूलो मिस्टर मीट हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमें मारने यहाँ जरूर आएगा। मुझे लगता है बुल्ली अब मरने या मारने का टाइम आ चुका है, अगर आप मिस्टर मीट ने हम में से किसी पर भी हमला किया तो हम भागेंगे नहीं, बल्कि उसे सबक सिखा देंगे। शॉन बोला, हाँ बुल्ली, गुल्ली सही कह रहा है, उसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है, बस तुम लोग किसी तरह उसका हथियार छीन लेना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा, बस आने दो उसे, आज तुम लोग देखोगे शॉन का जलवा। बुल्ली बोला, मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हारा जलवा देख पाएंगे शॉन, मुझे लगता है कि हम एक ही चीज देख पाएंगे, वो है मिस्टर मीट के हाथों बनता हुआ तुम्हारा हलवा। हलवा, तुम कहना क्या चाहते हो बुल्ली? मैं कहना ये चाहता हूँ शॉन, मिस्टर मीट को तुम लोग जितना कमजोर समझ रहे हो वो उतना कमजोर है नहीं, हथियार छीन लेने के बाद भी तुम उससे अकेले लड़ नहीं पाओगे, वो हमसे ज्यादा लंबा चौड़ा है शॉन, और दिन में कई बार वो तुमसे ज्यादा बड़े और भारी जानवरों को अकेले काट कर बेचता है, तो कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, अगर उससे हमें लड़ना पड़ा तो हम मिलकर लड़ेंगे। बुल्ली की बात सुनकर शॉन का जोश ठंडा पड़ गया। शॉन कहने लगा, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, वही हमारे लिए सही रहेगा, ये कहकर शॉन उठकर खड़ा हो गया। तभी गुल्ली ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और कहने लगा, कुछ सुना तुम लोगों ने?
बुल्ली बोला, हाँ किसी के चलने की आवाज आ रही है, कोई हमारे पास आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो आएगा जरूर, उसे पता है कि हम इतनी आसानी से जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। शॉन बोला, भागो बुल्ली, वो हमारे करीब आ चुका है। बस इतना कहकर शॉन भागने लगा। बुल्ली ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ शॉन, हमें एक साथ रहना है, अलग अलग नहीं जाना है, वरना वो हमें आसानी से अपना शिकार बना लेगा। लेकिन जब शॉन नहीं रुका तो गुल्ली और बुल्ली को भी उसके पीछे जाना पड़ा। गुल्ली बुल्ली और शॉन की भाग दौड़ की आवाज़ ने मिस्टर मीट को अलर्ट कर दिया और उसे पता चल गया कि ये तीनों कहाँ जा रहे हैं। और फिर क्या था, मिस्टर मीट ने भी इनके पीछे भागना शुरू कर दिया। गुल्ली ने मिस्टर मीट को पीछा करते हुए देख लिया और ये बात बुल्ली और शॉन को भी बता दी और फटाफट ये तीनों प्लानिंग बनाकर पेड़ के पीछे छुप गए। गुल्ली ने बुल्ली से कहा, जाओ बुल्ली, तुम गाड़ी लेकर आओ, वरना हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं और शॉन मिलकर मिस्टर मीट को संभाल लेंगे, लगता है मिस्टर मीट आ गया है। मिस्टर मीट को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों अलर्ट हो गए और जैसे ही मिस्टर मीट आगे आया, गुल्ली ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसे जमीन पर गिरा पाना गुल्ली के बस की बात नहीं थी, इसीलिए बुल्ली ने आगे आकर मिस्टर मीट का फ्यूज उड़ा दिया और फौरन मिस्टर मीट के घर की तरफ भागा जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी। और इधर शॉन ने जब देखा कि गुल्ली ने मिस्टर मीट को अपने काबू में कर लिया है तो शॉन ने भी आगे आकर मिस्टर मीट को मारना शुरू कर दिया और मारते मारते मिस्टर मीट का पैर तोड़ दिया। ये देखकर गुल्ली खुश हो गया, वाह शॉन वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मिस्टर मीट से डरना छोड़ दिया है, अभी हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। बस बुल्ली को आ जाने दो, फिर हम इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे और ये मिस्टर मीट यही जंगल में पड़े पड़े मर जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, जल्दी भागो गुल्ली, मैं तो बुल्ली के पास जा रहा हूँ वरना ये मारेगा बहुत। गुल्ली बोला, रुक जाओ शॉन, हमें इसकी सुताई करनी होगी। लेकिन शॉन नहीं रुका और मिस्टर मीट उठकर खड़ा हो गया। अब गुल्ली और मिस्टर मीट बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए। गुल्ली बोला, देखो मिस्टर मीट, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे बाबा को बुलाना पड़ेगा। बाबा का नाम सुनते ही मिस्टर मीट ने गुल्ली को हवा में लटका दिया और बोला, तुम बाबा को बुलाओ या दादा को, मिस्टर मीट किसी से नहीं डरता, ये ले। मिस्टर मीट ने गुल्ली को उठाकर दूर फेंक दिया और बोला, तुम लोगों ने मेरा पैर तोड़ा है, अब देखो मैं तुम्हारी हड्डियां कैसे तोड़ता हूँ। चलो अब उठकर खड़े हो जाओ मेरे गोभी के फूल। तभी आवाज आई, रुक जाओ भालू के बच्चे, ये ले। गुल्ली ने पूछा, बुल्ली गाड़ी कहाँ है? बुल्ली बोला, गाड़ी शॉन लेकर आ रहा है। और फिर बुल्ली ने मिस्टर मीट के टूटे हुए पैर पे शार्प शूटर मूव्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आखिर कुछ ही देर में मिस्टर मीट ने हार मान ली और इस तरह से इन तीनों ने बिना बाबा को बुलाए ही मिस्टर मीट की हालत खराब कर दी। भागते हुए गुल्ली ने बुल्ली से कहा, शॉन अब तक गाड़ी लेकर क्यों नहीं आया? बस इतना कहना था कि गुल्ली बुल्ली के सामने शॉन गाड़ी लेकर हाजिर हो गया। लेकिन वो अकेले नहीं था, वो अपने साथ एक मोटी ताजी मुसीबत लेकर आया था। शॉन बोला, चलो जल्दी आओ गाड़ी में बैठो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बुल्ली बोला, ये खूनी पिग हमारी गाड़ी में क्या कर रहा है? जबकि शॉन को ये मालूम है कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है, फिर भी वो इसे गाड़ी में घुमा रहा है। बुल्ली बुल्ली, तुम लोग क्या सोच रहे हो, जल्दी बैठो गाड़ी में, ये हमारे साथ कुछ नहीं करेगा, ये अब हमारा दोस्त बन चुका है। क्या शॉन, तुमने इसे दोस्त बनाया है? इस मलिच्छे को जल्दी नीचे उतारो वरना हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ये सुनकर खूनी पिग भड़क गया और गाड़ी से नीचे उतर कर बोला, अबे ओए फूले हुए बैगन, मलिच्छा किसे बोला? जबान संभाल कर बात करना वरना सारी चर्बी उतार दूंगा। चर्बी तो तुम हमारी जब उतारोगे खूनी पिक, जब हम तुम्हें इस काबिल छोड़ेंगे। हम दोनों मिलकर तुम्हारे इतने छेद करेंगे खूनी पिक कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें, और आगे की बात तुम्हें शॉन बताएगा। शॉन ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा गंदी संदी बात, मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी। बुल्ली बोला, तो ठीक है हम बता देंगे इसे। अरे वो देखो मिस्टर मीट आ गया, भागो जल्दी। ये बात सुनते ही खूनी पिक ने मिस्टर मीट पे हमला कर दिया और तभी गुल्ली और बुल्ली ने भी मिस्टर मीट पे स्मैक लगा दी और इस तरह हुआ मिस्टर मीट का काम तमाम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आप गुल्ली बुल्ली और शॉन की नई स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।